उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाथरस कांड पे जो उनकी बदनामी सारे देशभर में हुई, उससे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक नई थ्योरी चलाई कि विदेश से पैसा आ रहा है और विदेश से पैसा आकर उत्तर प्रदेश में और देश में जातीय युद्ध भड़काने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है और इस काम के लिए इंडिया टीवी के द्वारा, जो रजत शर्मा जी के द्वारा तैयार चलाया जाता है, उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अजहरी अब्दुल हमीद अजहरी साहब का फोटो दिखाया और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मुफ्ती साहब का फोटो दिखाया, तो ऐसा करके उन्होंने बदनाम करने का काम किया। क्योंकि आज लोकमत के अखबार में ये खबर छपकर आई, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया कि ये जो खबरें आ रही है ये बेबुनियाद खबरें हैं कि ऐसा कोई पैसा आया और ऐसा इस तरह से कोई काम किया गया है। और इस वजह से सीधी सीधी बात ये सिद्ध होती है कि ये बदनाम करने के लिए ये खबरें रजत शर्मा के टीवी के द्वारा चलाई जा रही। तो ये बदनामी का मामला, इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया टीवी पर डिफेमेशन का केस किया जाएगा। इसके लिए हम कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ जहां जहां पर भी ये बात टीवी के द्वारा देखी गई, वहां वहां जहां जहां देखी गई वहां पर एफआईआर दाखिल करने का काम किया जाएगा। ऐसा निर्णय हम लोगों ने लिया।